हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश प्रजापति आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कथन, स्पीच मतलब कथन, स्टेटमेंट उसके पार्ट्स, उसके हिस्से, कथन के भाग या फिर वाक्य, यहाँ पर मैं वाक्य बोल सकता हूँ, वाक्य के भाग। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो कोई भी लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में आपको सेंटेंस बनाना है, तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जितने अवयवों की आवश्यकता होती है, जितने एलिमेंट्स की आपको आवश्यकता होती है, उन्हीं एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, अब ये एलिमेंट्स होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं, इनके अलग अलग यूज होते हैं। इसी कार्यों के अकॉर्डिंग, इन्हीं कार्य के अकॉर्डिंग हम इनका डिवाइड मेनली आठ पार्ट्स में करते हैं। मेनली आठ पार्ट्स में हम इसका डिवाइड करते हैं, तो इन्हीं आठ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, सिक्स्थ आर्टिकल कंजंक्शन, सेवन आर्टिकल इंट्रोडक्शन, और एट आपकी प्रीपोजिशन। तो मेनली आठ पार्ट्स में इसको एंड एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, इन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम जो पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे पहले। नाउन हम किसे कहेंगे? नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाउन क्या होता है? नाम होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड किस किस का हो सकता है? ये हो सकता है एक पर्सन का, प्लेस, थिंग, वर्ब, क्वालिटी है, स्टेट है, इनके नाम हो सकते हैं। व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी कोई कार्य का नाम हो सकता है, क्वालिटी गुण, गुण का नाम, और स्टेट अवस्था। इनके बारे में पढ़ते हैं कि नाउन में आपको इस सभी ध्यान रखना है कि नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। इस नेमिंग वर्ड में इन सभी का क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से बात करूं, रमेश इज ए गुड बॉय। तो यहां पर आप देख रहे हो कि रमेश क्या एक नेमिंग वर्ड है, एक नाम है। इसका नाम है रमेश, क्या एक पर्सन है। तो यहां पे क्या हुआ? ये क्या हुआ? नाउन। ओके फ्रेंड्स, सेकंड आपने देखा होगा कि जो इतने भी जो स्मोक के जो मटेरियल होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। तो यहां पे स्मोकिंग क्या है? स्मोक करना एक कार्य है स्मोकिंग का, इसका मतलब स्मोक का कार्य है स्मोकिंग। तो यहाँ पे कार्य एक वर्ग है, तो उसका क्या है? एक नाम है, नेमिंग वर्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक नाउन हुआ। ऐसे ही अगर बात करूं प्लेस की, तो प्लेस आप जानते हो जयपुर कोटपुतली है, तो कोटपुतली क्या हुआ? प्लेस हुआ। थिंग मार्कर क्या है? थिंग हो गया। वर्क में बताया हुआ क्वालिटी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी वाला सेंटेंस है, तो होनेस्टी इसमें क्या हुआ? क्वालिटी है, तो होनेस्टी क्या हुआ? आपका नाउन हुआ। ऐसे स्टेट, स्टेट में जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? बचपन, एक स्टेट है, अवस्था है। जैसे फॉर अगर मैं बताऊं आपको रेस्ट,
तो रेस्ट भी क्या है, एक स्टेट है, क्योंकि आराम कर रहे हो आप उस अवस्था में, तो रेस्ट क्या हुआ आप सेंटेंस में क्या हुआ स्टेट, तो ये क्या है आराम मतलब स्टेट है रेस्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ नेम वर्ड है और क्या है नाउन है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम चलते हैं प्रोनाउन तरफ। सेकंड प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक प्रो से और एक नाउन से। तो प्रो का मतलब होता है फॉर, इट मीन्स के लिए, और नाउन, नाउन है इसका मतलब आप जानते हो संज्ञा, नाउन यानी कि संज्ञा के लिए, नाउन के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो नाम बोलते हैं प्रोनाउन। इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, या फिर ये समझ लीजिए आप कि जो प्रोनाउन जो होता है उसका हम यूज करते हैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए, कि नाउन का बार बार हम यूज करते हैं, जैसे बोलो फॉर एग्जांपल राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, तो आप देख रहे हो कि राम मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो राम क्या एक नाउन है, इससे रिपीटेशन हो रहा है बार बार राम शब्द का। मैं बोलूं कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तो यहाँ पे मैंने किया वह, तो मैंने वह शब्द का बार बार यूज किया, तो यहाँ पे वह क्या है प्रोनाउन है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ही। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि प्रोनाउन क्या होता है। एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको समझाया था राम है, तो राम के लिए मैंने क्या यूज किया, ही का यूज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ही क्या हुआ प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। इन सभी सेंटेंसेस को आपको ध्यान से समझना है, आपके जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये 9th क्लास और 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जो एडजेक्टिव क्या होता है कि जो कुछ नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है, कुछ ऐड करता है उसके बारे में, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि एन एडजेक्टिव एड्स सम डिटेल्स to a noun or a pronoun, कि an adjective adds क्या करता है some details, कुछ जानकारी add करता है, इसके बारे में एक noun के बारे में और एक pronoun के बारे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे adjective। अब यह details क्या क्या हो सकती है, उसका color हो सकता है, उसका shape हो सकता है, quantity हो सकती है, क्वालिटी, नेचर हो सकता है, तो ये डिटेल्स, ऐसे और भी डिटेल्स हैं बहुत सारी जो नाम और प्रोनाउन के बारे में मतलब विशेषता बताए कुछ भी, तो हम उसे क्या बोलेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, एक सेंटेंस जैसे दिस इज ए ब्लैक मार्कर, आप देख रहे हैं मार्कर क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, तो मार्कर क्या हुआ नाउन हुआ। अब आपको देखना है कि जो नाउन के बारे में कुछ ऐड करे, तो इसने ऐड क्या किया, देखो ऐड इसमें क्या हुआ ब्लैक, मैंने क्या बोला कलर भी हो सकता है, तो ब्लैक मार्कर, मार्कर कैसा है ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक क्या हुआ एडजेक्टिव, मार्कर कैसा है ब्लैक है, तो ब्लैक क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हो
और या फिर मैं आपको कहूँ सिंपल तरीका बताऊं एडजेक्टिफाइंड करने का, तो ये है कि जो नाउन है, जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, आप उन्हें रिलेट कीजिए कैसा या कैसी, कि वो नाउन कैसा है या फिर कैसी है। मैं बोलूं मार्कर, तो मार्कर कैसा है, मार्कर क्या है, ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सेकंड मैं बोलूं दिस इज अ लार्ज बिल्डिंग, दिस इज अ लार्ज बिल्डिंग, तो यार बिल्डिंग क्या है, नाउन है, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग एक नेमिंग वर्ड है, तो ये बिल्डिंग कैसी है, लार्ज है, मैंने बताया आपको साइज, सॉरी साइज हो सकती है, मैंने आपको कहा जो भी विशेषता होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, तो साइज हो सकता है यहाँ पे, तो लार्ज है बिल्डिंग, तो यहाँ पे बिल्डिंग ये लार्ज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो अगला सेंटेंस है द लेजी मैन कैन नॉट वर्क, लेजी, यहाँ पे आप देखो नाउन क्या है, इसमें जो मैन है वो क्या है, यहाँ पे नाउन है, नेमिंग वर्ड है मैन, तो ये आदमी कैसे, मैन आदमी कैसा है, लेजी आलसी है, तो यहाँ पे इसका लेजी क्या हुआ, इसका नेचर हुआ, यहाँ बताया मैंने आपको लेजी क्या है, आपका नेचर है, इसका स्वभाव है आलसी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्ब और एडवर्ब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन, लाइक शेयर एंड कमेंट।